नमस्ते सस्रेकाल केम छो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। सो वेलकम टू माय चैनल दीपमाला ब्लॉग। सो गाइज, आई नो मैंने पहले भी एक वीडियो अपलोड करी थी, वो जस्ट एक ट्रायल वीडियो था, बिकॉज यू नो मुझे यूट्यूब का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, तो जस्ट मैंने एक छोटी सी कोशिश करी थी यूट्यूब को समझने के लिए। तो मेरे पास जो भी इंफॉर्मेशन था नॉर्थ गोवा का, क्योंकि मैं नॉर्थ गोवा में रहती हूँ, तो मैंने सबको इकट्ठा कंबाइन करके एक छोटा सा नॉर्थ गोवा का मिनी ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर किया था, ठीक है। वो भी एक इंफॉर्मेटिव वीडियो था। देन आज कायदे से देखा जाए तो मेरा पहला ब्लॉग है। सो गाइज, आई नो क्या बोलूँ मैं, फर्स्ट टाइम बोल रही, तो कुछ ऊपर नीचे कर दूँ ना, तो प्लीज़ उसको इग्नोर करना। एंड प्लीज़ मेरे वीडियो में हमेशा आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करना एंड कमेंट करना, और मैं क्या इम्प्रूव करूँ अपने चैनल में वो सारा कुछ मुझे बताना जरूर। हाँ, और प्लीज़ मेरे साथ बने रहना। तो टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लोर कोएरियम बीच। हम कोएरियम बीच को एक्सप्लोर करेंगे क्योंकि मैं एसएम बीच के पास रहती हूँ, तो मैं आपके साथ एसएम बीच की खूबसूरती शेयर करूंगी, रास्ते में वो दिखाते चलूंगी, और जो भी कुछ मुझे लगेगा कि आप लोगों से शेयर करना चाहिए एसएम बीच से कोएरियम बीच के बीच में, तो वो सारा कुछ मैं आपसे शेयर करूंगी। तो प्लीज़ गाइस मेरे साथ बने रहना, ठीक है, लास्ट तक। एंड प्लीज़ वीडियो देखने वालों मेरी लाइक ज़रूर रखना, और मेरे साथ प्लीज़ चीटिंग मत करना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, ठीक है। चलो, तो वी आर गोइंग कहाँ, कोएरियम बीच। मैं पहुंच चुकी हूँ एसएम बीच, जो मेरे घर के पास है, देख सकते हो आप, ये मेरे घर के सामने का नजारा है, देखो कितना खूबसूरत लग रहा है। यहाँ आपको रिजॉर्ट मिल जाएंगे काफी अच्छे अच्छे, हर रेंज के हैं। अभी ऑक्सीजन है तो सस्ता है काफी। आज गोवा का मौसम काफी खूबसूरत हुआ पड़ा है, बारिश बहुत हुई है, हम जब समुंदर के किनारे चिल मारे चिल। ये डॉगी कहाँ से आ रही है, मुझे परेशान परेशान कर दी है। मेरी सवारी निकल चुकी है कोएरियम बीच के लिए। टन तो यू चला चल रहा है, ये भी चला, कितनी हसीन है ये दुनिया। चलो रुक गई मेरी सवारी, देखो कहाँ, टीराकोल फोर्ट। ये एक्वेरियम बीच जाते वक्त आपको मिलता है, ये केरी गांव आपका महाराष्ट्र, एक्चुअली क्या है ना, उस साइड महाराष्ट्र पड़ता है, इस साइड आपका गोवा पड़ता है, तो यहाँ से फेरी आती है हर आधे आधे घंटे पे जाती है। उस साइड एक फोर्ट है जो पुर्तगाल के ज़माने का है और काफ़ी पॉपुलर है, उसे देखने के लिए भी काफ़ी लोग काफ़ी दूर दूर से आते हैं। आप देख सकते हो कितना कितना खूबसूरत सा नज़ारा है। एक्चुअली क्या है, गोवा का अभी ऑफ सीजन चल रहा है ना, जिसकी वजह से अभी काफ़ी कुछ बंद हुआ पड़ा है, तो आप देख सकते हो, आप मैं आपको पास से दिखा रही हूँ, देख सकते हो कितना पानी, कितना कितना खूबसूरत पानी भी साफ़ है बिल्कुल। ये आइलैंड सा दिख रहा है एक आपको छोटा सा, और इस वक्त आपको काफ़ी मतलब लोग नहीं दिख रहे हैं, ये ऑफ सीजन है ना। गर्ल्स दोस्तों, जहाँ तक मैंने आपको बताया कोएरियम बीच और केरी बीच दोनों एक ही है, हम बस पहुंचने वाले हैं कोएरियम बीच। मैं एसएम बीच से आ रही हूँ, तो मुझे वहाँ से आने में हाफ एन आवर लगा, ठीक है। तो और एक बात मैं बता दूँ, गोवा आना है आपको तो आप रेंट पे व्हीकल ले सकते हो, वो बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि अगर गोवा में नेचर का नज़ारा लेना है तो जो बाइक राइड और एक्टिवा राइड में मज़ा है ना, वो फोर व्हीलर राइड में नहीं है। तो आप लोग जब भी आओ यहाँ गोवा, तो रेंट पे एक्टिवा ले लो और बाइक ले लो और घूमते रहो सारा टाइम, बहुत मज़ा आएगा, बहुत ही मज़ा आएगा। दोस्तों के साथ आओ, फ्रेंड्स के साथ आओ, फैमिली के साथ आओ, ठीक है। बाकी मैं वहाँ जाके आपको बताती हूँ कोएरियम बीच में क्या क्या खास है। जैसे हम कोएरियम बीच में एंट्री करते हैं तो ये एक अजूबा टेंपल है, जो आपको जैसे एंटर करते हो वो आपको देखने को मिलता है। यहाँ के लोकल लोग इसको बहुत ही ज़्यादा मानते हैं, ठीक है। आप देख सकते हो बहुत ही खूबसूरत सा मंदिर है, आप देख सकते हो। बंद है अभी इसका फाटक, बंद है, एक गार्ड बैठे हुए। ये एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनता है अजूबा देवस्थान,
मैं आंटी से पूछती हूँ कि क्या चीज़ का मिल रही है। आंटी, ये क्या चीज का मंदिर है? अजूबा मंदिर। कौन से भगवान है? भोलानाथ। अच्छा, भोलेनाथ का मंदिर है? ओह वाओ, कामना सांकेत की पूर्ण होता है। अच्छा, तो अभी फाटक बंद है? बंद ना, चालू है। चालू है। अच्छा, तू दौर चलो बनाना भी, आहार भी डालना अजूबा। हाँ, आहार भी नहीं, मैं अभी पूजा नहीं कर सकती। हाँ ठीक है, मैं मंदिर एक बार देख लेती हूँ। खाने पीने के बाद क्या पूजा करूँ? एक सेकंड, मैं आपको दिखाती हूँ मंदिर। अच्छा, ये भोलेनाथ का ही मंदिर है। कहते हैं या मन्नत पूरी होती है जो भी आता है सच्चे दिल से। एक अंकल बैठे, गार्ड अंकल बैठे हुए। बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। मैं एक्वेरियम बीच पर हूँ। इस टाइम में ज़्यादा देर रहना भी सही नहीं है, यहाँ पर इसलिए नहीं जा रही। वहाँ भी काफ़ी डेंजर है बारिश में। आप देख सकते हो कितना खूबसूरत लग रहा है। क्वेरियन बीच की खूबसूरती देखो, कितना ज़्यादा ही खूबसूरत लग रहा है। मुझे एक सॉन्ग याद आ रहा है, सुहाना सफ़र और ये मौसम हसी, समुद्र की लहरें और उसकी नेचुरल जो आवाज़ है, जो एक पॉजिटिव वाइब्स है वो मैं ये महसूस कर रही हूँ इस वक्त। मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा सा, अच्छी सी फीलिंग आ रही है। आप खुद फील कर सकते हो, महसूस करो। ये जो आप देख रहे हो, ये हाइडन केव, इसके जस्ट ऑपोजिट साइड है। ये रास्ता आप देख सकते हो पूरा बंद हुआ पड़ा है बारिश की वजह से। समुद्र की लहरें काफ़ी तेज हुई पड़ी है, तो अभी इस टाइम में उस साइड हम जा नहीं सकते हैं। अदरवाइज मैं आपको पक्का दिखाती, और मुझे खुद भी देखने का बहुत ही मन था, लेकिन आप देख सकते हो लहरें कितनी तेज हुई पड़ी है। गोवा में 3-4 दिन से बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है, जिसकी वजह से समुद्र की लहरें भी बहुत तेज हुई पड़ी है। और तो गाइस, उधर जा नहीं सकती मैं, सॉरी यहाँ, बट आप देख सकते हो बहुत ही खूबसूरत है। मैंने सुना है वहाँ काफ़ी लोग फोटो सेशन के लिए आते हैं, फैशन फोटोग्राफर एंड ऑल। काफ़ी खूबसूरत सी जगह है गाइज। मैं डेफिनेटली सेकेंड टाइम कैप्चर करने की कोशिश करूँगी। हाइडन केव मुझे कैप्चर करना था, तो मैंने एक दिन और रिस्क लिया एक्वेरियम बीच आने का। एंड देन उस दिन भी मुझे कुछ खास मिला नहीं। आप देख सकते हो खूबसूरती देखो एक्वेरियम बीच की। क्वेरियन बीच काफ़ी ही खूबसूरत है हर बीच में। आई थिंक नॉर्थ गोवा का ये सबसे खूबसूरत बीच है, और सीजन में यहाँ काफ़ी लोग आते होंगे, काफ़ी कुछ होता होगा, देख के अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और इस टाइम, खैर इस टाइम ऑफ सीजन होने की वजह से काफ़ी शांति है, बट हाँ खूबसूरत तो बहुत ही लग रहा है। पैराग्लाइडिंग कर रहे हैं लोग, पीछे देख सकते हो मेरे वीडियो में आप, जो यहाँ के लोकल लोग हैं ना, वो करते हैं पैराग्लाइडिंग वगैरह इस टाइम, बट जो बाहर से है विजिटर है उनके लिए अलाउ नहीं है। यहाँ की हरियाली काफ़ी मनमोहक है, काफ़ी खूबसूरत है, देख सकते हो आप। मैं मतलब मुझे बहुत बहुत ज़्यादा आई कैची लगा, तो मैंने कैप्चर किया है। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। मेडिटेशन करना हो तो मुझे लगता है गोवा से बेटर प्लेस कोई भी नहीं है। यहाँ पे आओ, बहुत ही मज़ा आएगा। ऐसे काफ़ी सारा एक्टिविटीज़ होता है, बनाना राइड होता है, एंड क्या कहते हैं वाटर स्कूटर होता है, वाटर स्कूटर एंड क्या कहते हैं पैराग्लाइडिंग, फिर क्या कहते हैं बहुत सारा कुछ है। आप मतलब आओगे तो आपको पता चलेगा, काफ़ी कुछ एडवेंचर आप कर सकते हो, आप देख सकते हो। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, मुझे तो यहाँ से जाने का दिल ही नहीं कर रहा है। एक बार अरम्बुल आओ, एक्वेरियम बीच विजिट करो। गाइस ऑफ सीजन की वजह से मैं ज़्यादा कुछ कैप्चर नहीं कर पाई,
बट जितना भी किया है सारा कुछ इन्फॉर्मेटिव है। तो आप लोग आओ गोवा और क्वेरन बीच जरूर विजिट करना, काफ़ी खूबसूरत बीच है और काफ़ी कुछ यहाँ आपको देखने को मिलेगा, काफ़ी कुछ एक्टिविटीज़ करने को मिलेगा, बट सीजन में आना ठीक है। और क्या कहते हैं, इस टाइम आते हो आप तो इस टाइम आपको सब कुछ अच्छे मतलब काफ़ी चीप रेट में मिल जाएगा, बिकॉज ऑफ सीजन है, इस वजह से आपको यहाँ पे सस्ते में रूम वगैरह सब कुछ अवेलेबल मिल जाएगा ठीक है। चलो इसी के साथ मैं क्वेरन बीच का ये सफ़र ख़त्म करती हूँ ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस मेरे साथ बने रहने के लिए, नेक्स्ट ब्लॉग का इंतज़ार करना, थैंक यू सो मच।